3.0 का पहला बजट, क्या नीतीश और नायडू की बात मानेगी मोदी सरकार? नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश भर में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और एक बार फिर से देश भर में एनडीए की तीसरी बार सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर हैं। लेकिन इस बार जब सरकार बनी तो किंग मेकर के भूमिका में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रहे। जदयू के मुखिया नीतीश कुमार और टीडीपी के मुखिया नायडू ने मिलकर केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनवा दी है। तो अब जब बजट होने वाला है और मोदी सरकार का ये जो तीसरी बजट है, इस बजट में नीतीश कुमार और नायडू बड़ी बड़ी मांगे लेकर के पीएम मोदी के सामने जाएंगे, क्या मोदी इनकी तमाम बातों को मानेंगे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। इसे लेकर दोनों नेताओं ने अपनी विशलिस्ट वित्त मंत्री को भेज दी है। टीडीपी और जदयू की ओर से कथित तौर पर 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट 2024 से पहले 5.7 अरब डॉलर की मांग भेजी गई है। राइट, एक रिपोर्ट्स में के सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश और बिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। इनमें दोनों राज्य केंद्र से बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए आवंटित बिना शर्त वाले लॉन्ग टर्म लोन को करीब दुगना करते हुए 1,00,000 करोड़ रुपए करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं और इनफैक्ट न्यूज फॉर नेशन भी इस तरह के वादों को और इस तरह के दावों की कोई पुष्टि नहीं करता है। एक अन्य रिपोर्ट में भी इसी तरह की मांगे के बारे में बताया गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार चंद्रबाबू नायडू ने अकेले ही 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता की मांग की है। इसमें दावा किया गया है कि इसे लेकर इस सप्ताह की शुरुआत में पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की थी। गौरतलब है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में टीडीपी और जदयू दोनों मिलकर किंग मेकर की भूमिका में सामने आए और कई नई गठबंधन सरकार में 16 सांसद नायडू की पार्टी के जबकि 12 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी के शामिल हैं। चंद्रबाबू नायडू की विशलिस्ट में शामिल मांगों पर नजर डालें तो कथित तौर पर उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के अलावे विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के लिए भी समर्थन शामिल है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राज्य के पिछले जिलों जैसे कि रामायपट्टनम बंदरगाह और कडप्पा में एक इस्पात संयंत्र के लिए अनुदान की मांग रखी है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की ओर से राज्य में 9 नए एयरपोर्ट, 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, 2 रिवर वाटर प्रोजेक्ट और 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुदान की मांग की गई है। यहां तक बता दें कि साल 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत करीब 1,03,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से अधिक रकम कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त पर आवंटित की गई है। गौरतलब है कि केंद्र में आई नई एनडीए सरकार 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश करने जा रही है और संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। तो देखिए, मोदी 3.0 की सरकार की ये पहली बजट आने वाली है और इस बजट को लेकर के बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम यानी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र की मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारे उन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं। अब इस उम्मीद पर पीएम मोदी क्या खरे उतरेंगे, क्या पीएम मोदी इनके तमाम वादों को, तमाम मांगों को पूरा करेंगे, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।